अगर हम घर में हैं तो घर में रेकर भी लगा, घर में भी लगा के रखिए। सुबह का एक रेजीम लगाइए कि मॉर्निंग सीरम जो आप यूज़ करते हैं, जो मैं अपने हर पेशेंट्स को बोलती हूँ, एट आफ्टर सर्टेन एज जाती है आपकी स्किन पे, वो आपकी बैक को जला देती है। रूटीन जो अब जिम वाला है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, जिसमें दूध पड़ता हो सब छोड़ देंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली एक्ने कंट्रोल में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज का सेशन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कॉस्मेटोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या वो लोग जो कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड लाइक मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, एक्ने और हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। सो आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर वसुंधरा, अ सक्सेसफुल कॉस्मेटोलॉजिस्ट। सो वेलकम मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सो मैम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कॉस्मेटोलॉजी एक्चुअल है क्या, क्या होता है, प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताएं आप। कॉस्मेटोलॉजी बेसिकली एक स्टडी एंड साइंस है रिगार्डिंग द ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, स्किन ट्रीटमेंट्स, हेयर के लिए, स्किन के लिए, वट एवर, यू नो, नेल्स हुआ, कुछ भी हुआ, तो जो हर चीज़ में इन्वॉल्व करता है, दैट इज़ कॉल्ड अ कॉस्मेटोलॉजी। सो मैम, जब भी कॉस्मेटोलॉजी की या कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट की बात होती है तो कुछ ऐसा लगता है तो मेकअप की बात होगी या गर्ल्स के प्रोडक्ट की या गर्ल्स के ट्रीटमेंट की ही बात होगी। सो क्या कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है? ये बहुत बड़ी मिसपरसेप्शन है कि कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट गर्ल्स के लिए होता है, बट आजकल ब्यूटिफिकेशन किसको नहीं चाहिए, मेन को भी चाहिए, गर्ल्स को भी चाहिए, दोनों जेंडर्स को चाहिए। सो दिस ट्रीटमेंट इज बेसिकली फॉर बोथ द जेंडर्स, मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। सो मैम, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं, आपने कब स्टार्ट किया, क्या ग्रेजुएशन वगैरह जो मतलब जो पढ़ाई की जाती है, किस चीज़ की पढ़ाई करनी होती है कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए, आपने क्या किया? सी, आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन, उसके बाद जो ये मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स होता है जो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए ही होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट आपको इंस्टीट्यूट्स कराते हैं, मेडिकल जो डॉक्टर्स दवाइट्स हैं उनके अंडर आप करते हैं। सो आई डिड माई कोर्स ऑफ कॉस्मेटोलॉजी फ्रॉम जर्मनी, देन आई वेंट टू UK, वहाँ से मैंने अपना परमानेंट मेकअप का किया, एडवांस्ड कॉस्मेटोलॉजी का किया। आफ्टर UK आई प्रैक्टिस इन मुंबई फॉर सर्टेन टाइम अंडर डॉक्टर जमुना पाई। सो काफ़ी जगह से मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, देन आफ्टर सो मच ऑफ एक्सपीरियंस आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन क्लिनिक, बिकॉज जो मैंने एक्सपर्टाइज इतनी जगह से सीखी है, वाई नॉट टू गिव द बेस्ट सर्विस टू माई पीपल। मैम, कॉस्मेटोलॉजी में जो भी ट्रीटमेंट होता है, किस किस चीज़ का ट्रीटमेंट आप करते हो? कॉस्मेटोलॉजी में हम वेरियस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स करते हैं, जिसमें हम हेयर, स्किन, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, प्लस मिलाज्मा, जो स्किन में हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल चल रही है, पिगमेंटेशन, एक्ने, फ्रेकल्स, अनइवन स्किन टोन, डार्क स्किन टोन, हर चीज़ का हम लोग इलाज करते हैं, हर चीज़ का हम बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट के बाद रिजल्ट्स लेके आते हैं। हेयर का सबसे बड़ी हमारे नोएडा में जो प्रॉब्लम है दिल्ली NCR में इज हेयर लॉस। हेयर लॉस का हमारे पास बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स है, जिससे हमारे कितने पेशेंट्स को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। सो वी आर एक्सपर्टाइजिंग इन हेयर एंड स्किन बोथ। मेलाज्मा क्या होता है, आजकल बहुत सुनने को मिलता है मेलाज्मा बहुत लोग फेस कर रहे हैं और उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो असल में क्या होता है, हम बताएंगे कुछ। सी, मेलाज्मा क्या है, अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ, मेलाज्मा हिंदी में हम उसको झाइयाँ बोलते हैं, ठीक है, वो क्यों होता है और किसको ज़्यादा होता है? वो ज़्यादातर फीमेल्स को होता है, एज ग्रुप 25 साल से 45 साल के बीच के हम एज ग्रुप में देखते हैं, और उसके वेरियस रीज़न होते हैं, एक रीज़न नहीं होता, और वो कितनी इंटेंसिटी से है, अपर लेयर में है एपिडर्मिस या डर्मल में जा चुका है, क्या है, वो हर पेशेंट के, हर इंसान के अलग अलग डिग्री का होता है। तो मेनली जो झाइयाँ है, जिसको हम डार्क स्पॉट्स बोलते हैं, जो मेनली हम चीक्स में, नोज या चिन में, या काफी कम केसेस में हम देखते हैं फोरहेड में भी होता है, तो ये हमारा मेलाज्मा की एक टिपिकल एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। रीजन मैम क्या होते हैं? रीजन सी, फीमेल्स में अगर हम देखें, उसका वेरियस रीजन होते हैं। सबसे पहला हार्मोनल, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस जिससे होता है, उससे आपको मेलाज्मा भी कॉज हो सकता है। दूसरा है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन फैक्टर इज सन। जो लोग सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, जो सनब्लॉक नहीं यूज करते, वेरिया सन बर्न हो जाता है, उनको भी मेलाज्मा हो जाता है। तीसरा, इन प्रेग्नेंट लेडीज, हम उनमें भी हम देख सकते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी इतने हार्मोनल चेंजेस आते हैं कि जिससे मेलाज्मा कॉज हो सकता है। प्लस कुछ मेडिसिन भी है जिसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिससे मेलाज्मा कॉज कर सकता है वो।
मेरा क्वेश्चन मैम यही था कि मेडिसिन से भी मिलाज्मा होता है, तो किस तरह की मेडिसिन खाने से सी हो जैसे सकता ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उनसे है? हम देख सकते हैं कि मिलाज्मा को वो रिजल्ट दे सकता है, जिसके अंदर डेफिशिएंसी है विटामिन D3 की, उसमें कई स्टडीज में देखा जा सकता है कि हो सकता है मिलाज्मा। प्लस स्ट्रेस लेवल या डिप्रेशन, ये चीजें भी हैं ये भी जो कारण है ये भी मिलाज्मा कारण का? है मिलाज्मा का। सो मिलाज्मा का एक नहीं वेरियस कारण है, और हेरिडिटरी भी, जिसके मम्मी या दादी या आपके इंसेस्ट्रल में किसी को मिलाज्मा की प्रॉब्लम हुई हो उनको भी हम देख सकते हैं कि उनके चेहरे में भी हम ये जाइयां देख सकते हैं। सो मिलाज्मा इन एवरी पर्सन हैज डिफरेंट रीजन, उनकी हिस्ट्री से, पेशेंट हिस्ट्री से ही हम पता कर सकते हैं कि उनको मिलाज्मा किस कारण से है। डाइट से भी होते हैं? डाइट से सी नहीं होता, जहां तक मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, डाइट डजंट कॉज मिलाज्मा, उसके और फैक्टर्स इतने इतने होते हैं जिससे मिलाज्मा हम देख पा रहे इज हैं। इट क्योरेबल? मिलाज्मा इज आई कैन से इट्स क्योरेबल बट नॉट 100%। बट मिलाज्मा अगर आप 100% क्योर कर भी देते हैं, उसका रिकर्शन मतलब वो बार बार वापस आता ही आता है। मतलब एक बार अगर ट्रीटमेंट हुआ तो दोबारा आने के भी चांसेस होते हैं, चांसेस 100% होते है? हैं, चांसेस बहुत होते हैं। सो आप पेशेंट को ये उनको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हमारी 1 डिग्री तक, सपोज अगर 80-90% तक कम हो जाएगा, पर एक क्लीन फेस, क्योंकि आपके हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, आपकी जो भी फैक्टर्स है जिससे आपके मिलाज्मा कॉज हो रहा है वो तो आपका नहीं, आपका बदल रहा राइट ना, राइट तो प्लस इसलिए इसका चांसेस ऑफ रिकर्शन इज वेरी हाई। हमने कुछ लोगों से बात की जिनको झाइयाँ थी या हैं अभी भी, तो उन्होंने ट्रीटमेंट के बाद भी, क्या होता है ना, ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद हो जाता है। तो उनका कहना भी ये है कि 100% तो कभी खत्म नहीं हो नहीं सकता, होता और हमें लगता है कि 60 और 70% का ये होता है कि जी ट्रीटमेंट के बाद सिर्फ इतना ही सही जी होता, फिर वापस से होने लगता है अगर जी ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो। जी सबसे बड़ा इसको प्रोटेक्शन का एक रामबाण है जो मैं अपने हर पेशेंट्स को बोलती हूँ कि अ गुड सनस्क्रीन, एंड कैसे अप्लाई करना है, कितनी बार अप्लाई करना है, जो आपकी मिलाज्मा और पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल्ड में रखे। कौन सी सनस्क्रीन होनी चाहिए? सनस्क्रीन कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि कौन सी कंपनी की किसी होनी की SPF चाहिए चाहिए, हो कुछ? SPF एटलीस्ट 50 हो उसकी, प्लस उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ठीक हो, जो आपकी स्किन को इफेक्टिव एक अच्छा रिजल्ट दे पाए, प्लस उसको कितनी बार आप यूज कर रहे हो और कितनी क्वांटिटी में यूज कर रहे हो, कब यूज कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। मैम सनस्क्रीन स्किन कैंसर से बचाती है या फिर सन से आपको, या स्किन कैंसर से नहीं बचाती, मेनली सनस्क्रीन का मेन काम होता है सन ब्लॉक, ब्लॉकिंग ऑफ द सन रेज। हम 100% तो ब्लॉक नहीं कर सकते राइट यूवी ए राइट यूवी बी राइट रेज, बट कुछ एक्सटेंट तक वो ब्लॉक कर देती हैं, जिससे हमें एकदम से टैनिंग या एकदम से पिगमेंटेशन से हम लोग बच जाते हैं। सो कितना यूज करना चाहिए दिन में? जब आप घर से बाहर निकले सुबह, राइट, तो उससे 20 मिनट पहले अप्लाई करके निकलिएगा। ये नहीं कि आप गाड़ी में, कहीं मैं अपने पेशेंट्स का सुनती हूँ, वो लोग गाड़ी में बैठ के ही अप्लाई करते हैं और क्वांटिटी भी इतनी कम होती है कि जिससे कुछ इलाज लगाए या ना लगाए का कोई फायदा नहीं। अब गुड क्वांटिटी मीन्स 2 फिंगर, यू हैव टू अप्लाई ऑन योर फेस नाइसली बिफोर स्टेपिंग 20 मिनट्स बिफोर ऑफ योर हाउस। घर में अगर हम घर में हैं तो घर में रहकर भी लगाना घर में जरूरी है? भी लगा के रखिए, सुबह का एक रेजिम लगाइए कि मॉर्निंग सीरम जो आप यूज करते हैं, जो मैं अपने हर पेशेंट्स को बोलती हूँ, एट आफ्टर सर्टेन एज अ गुड मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन इज मैंडेटरी टू यूज फॉर एवरीबॉडी, फॉर ऑल हाउसवाइव्स, फॉर ऑल वर्किंग वेमेन, मेल वेदर, फीमेल वेदर, किड्स या बच्चे, मतलब 14 साल के ऊपर। हम तो रिकमेंड तो छोटे बच्चों को भी करते हैं जिनके अलग से उनकी सनस्क्रीन आती है, जो बहुत ही इफेक्टिव प्रोटेक्टिव होती है मेनली, बट उनको भी लगानी चाहिए वाइल दे गो टू द आउटडोर्स गेम्स। आजकल बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्विमिंग करते हैं, उनको भी लगा के भेजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्रिकेटर बाहर धूप में खेलते हैं व्हाइट व्हाइट लगा के रखते हैं, दैट इज या दैट इज सनस्क्रीन राइट? SPF, या सो सिर्फ टैनिंग से बचने के लिए वो ये यूज करते एग्जैक्टली, हैं? बिकॉज टैनिंग ही आपका फोटो डैमेज करेगी, टैनिंग राइट ही आपको राइट पिगमेंटेशन देगी, पिगमेंटेशन का नेक्स्ट कॉज क्या है, मिलाज्मा, एग्जैक्टली राइट। और मैम आपने मॉइस्चराइजर की बात की, तो मॉइस्चराइजर के ना कुछ मिथ्स हैं जो लोग बोलते हैं कि ड्राई या ऑयली स्किन बना देता है, या फिर ऑयली स्किन वालों को यूज नहीं करना चाहिए मॉइस्चराइजर।
ये सबसे गलत मिथ है, मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ। मॉइस्चराइजर ही एक चीज है जो आपकी यूथफुलनेस को एक इन्हेंसमेंट देता है, आपकी स्किन, आपकी त्वचा को एक रेडियंस इफेक्ट देता है। एक्ने प्रोन स्किन के लिए डिफरेंट मॉइस्चराइजर्स आते हैं, जो आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करें आप वही उसी को यूज कीजिए। डू नॉट गो फॉर द इंस्टाग्राम और फॉर अदर एडवर्टीजमेंट्स व्हिच सो रैंडमली एवर जहां हम देख रैंडमली। रहे एग्जैक्टली, हैं बिकॉज आजकल मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि मैम हमने ये देखा एडवर्टीजमेंट में, ये देखा सोशल मीडिया में, वी आर यूजिंग दैट। उससे क्या होता है कि जो आपकी स्किन ठीक भी हो रही हो, ठीक उसको भी वो लोग खराब कर देते हैं। सो मॉइस्चराइजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन टू हैव दैट प्लम्पीनेस, यूथफुलनेस, हाइड्रेशन। जो बहुत आप खुद सोचिए, अगर आप पानी नहीं पियेंगे आपकी बॉडी सिकुड़ती जाएगी, खराब होती जाएगी। वैसे ही अगर आप एक स्किन पे आप मॉइस्चराइज नहीं करेंगे, वो सिकुड़ेगी, वो खराब होगी ही होगी। अनलेस अनटिल कोई भी आप ट्रीटमेंट करा लीजिए, कोई इफेक्टिव नहीं होगा अनलेस अनटिल उसको मॉइस्चराइजर नहीं मिलेगा। ओके ओके मैम, इस रिसर्च के दौरान हमें एक चीज़ और जानने को मिली कि अगर एक हफ्ता तक आप बिना पानी के रहते हो तो वो क्या करता है ना कि जो भी आपके डेड सेल्स होते हैं वो उनको ख़त्म कर देता है। सो इज इट राइट? नो इट्स नॉट राइट। ये आप ओके, एक लाइक हफ्ते फास्टिंग फास्टिंग करना। करना, मेरे हिसाब से पानी तो बहुत ही जरूरी है हमारी ह्यूमन स्किन के बॉडी के लिए लिए, स्किन के लिए, हर चीज के लिए। फास्टिंग में मैं तो ये एडवाइस करती हूँ, पानी एंड फ्रूट्स दो चीज लीजिए, बाकी चीज छोड़ दीजिए, मैदा छोड़ दीजिए, वीट छोड़ दीजिए, हर चीज छोड़ दीजिए, बट पानी और फ्रूट्स ये चीज छोड़ेंगे तो डाइटिंग का भी कोई फायदा नहीं। स्किन भी आपकी जो एक स्किन अच्छे लेवल में थी वो बिल्कुल डाउन लेवल में चली जाएगी। वन मोर पिथ के जो बॉडी लोशन होता है उसको फेस पे यूज नहीं करना चाहिए। ट्रू, बॉडी लोशन और फेस क्रीम की इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट होते हैं, राइट? सो अकॉर्डिंग, मैं बार बार यही बोलती हूँ, हर स्किन डिफरेंट है। एक्ने स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए, एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए बिफोर यू गो फॉर योर स्किन, नॉट फॉर योर बॉडी। बॉडी लोशन जो आपको आजकल इतने ब्रांड्स के आपको आ ही रहे हैं वो आप यूज कर रहे हैं, दैट्स फाइन, बट स्किन के लिए डो नॉट यूज दैट, ओके, या फेस मतलब ये सही के है। लिए। एग्जैक्टली, ओके मैम, मेलाज्मा के आपके पास क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं? अब कितने ड्यूरेशन में, मतलब हो सकता है जो भी 60-70% या 80% आप क्योर करते हो? सी मिलाजमा के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। प्लीज स्टार्ट विद द पील्स एंड वी हैव लेजर ट्रीटमेंट फॉर इट, वी हैव माइक्रो नीडलिंग प्रोसीजर्स फॉर इट, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं हमारे खुद के पेशेंट्स के। आप अगर हमारे इंस्टाग्राम पेज में जाइए इवारा क्लिनिक के, यू कैन सी प्री एंड पोस्ट हमारे खुद के पेशेंट्स के, यूल बी अमेज कि हम लोग रिजल्ट्स देते हैं। प्लस जो मैं रेजीम देती हूँ अपने पेशेंट्स को मॉर्निंग एंड नाइट, कोई रिलीजियसली फॉलो करे तो 100% उसका रिजल्ट आएगा। कितना टाइम लगता है? एटलीस्ट 4 to 6 months मिलाजमा में अगर आपको रिजल्ट देखना है, पिगमेंटेशन में रिजल्टिंग 4 से 6 महीने का, उसमें आप एक पेशेंसली काम करें अपने ऊपर और एक डॉक्टर पे विश्वास करके काम कीजिए कि ये जो चीज है ये मेरी 15 दिन या 20 दिन में ठीक होने नहीं वाली, ये मेरे को एटलीस्ट 6 महीने लेके मुझे इस पे वर्क करना है तभी ये ठीक होगी। पूरे डेडिकेशन के साथ करना हो एग्जैक्टली तभी। एग्जैक्टली, आई ऑलवेज टेल टू माई पेशेंट इट्स नॉट अ 1 पर्सन जॉब, एक ताली दो हाथ से बजती है, तो एक डॉक्टर और पेशेंट हैज टू गो हैंड बाय हैंड। पिगमेंटेशन के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो पिगमेंटेशन क्या होता है और रीजन क्या होते हैं पिगमेंटेशन होने के? पिगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? पिगमेंट का डिपोजिशन, एक लेमैन की लैंग्वेज में, हमारी जो स्किन की सबसे ऊपर वाली परत को हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है? उसमें जब मेलेनिन, जो हमारे कम्प्लेक्शन को हमारे जो देता है कलर, दैट इज कॉल्ड मेलेनिन, उसकी प्रोडक्शन जब हाई हो जाती है, उससे क्या होता है कि वहां ब्राउन स्पॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। पिगमेंटेशन इन लेमैन लैंग्वेज इज लिटिल लिटिल ब्राउन स्पॉट्स विच यू कैन सी ऑन योर फेस, राइट? वो कहीं भी हो सकते हैं, आपके चीक्स में, आपके फुल फेस में, कहीं भी आप देख सकते हैं, तो उसको हम ओनली फेस पे? पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन कैन बी ऑन योर बॉडी ऑल्सो, आपके आर्म्स में, राइट? आपके बैक में, बैक पिगमेंटेशन भी बहुत ही कॉमन है आजकल। लोग आजकल वेकेशन पे जाते हैं, दे डू नॉट यूज सन ब्लॉक, एकदम सन की रेज जो जाती है आपकी स्किन पे वो आपकी बैक को जला देती है, उससे क्या होता है पिगमेंटेशन एक परमानेंट कॉज आपका दे देता है। सो पिगमेंटेशन के बहुत से रीजंस हैं क्यों होती है। अगेन आई वुड से हार्मोनल भी हो सकती है ड्यू टू यूज ऑफ एनी मेडिसिन,
भी हो सकती जो है, रिएक्शन कर जाती है मेरे। जो रिएक्शन प्लस एलर्जी या कोई भी आप प्रोडक्ट ऐसा यूज कर रहे हो जो आपके फेस को एलर्जिक में रिजल्ट कर दे, उसके बाद वो भी आपको पिगमेंटेशन कॉज कर सकता है। तो कुछ भी रीजन हो सकता है पिगमेंटेशन का, बिकॉज आर स्किन इज रियली सेंसिटिव। सन में आप जा रहे हैं विदाउट अ प्रोटेक्शन, दैट कैन ऑल्सो कॉज यू पिगमेंटेशन। प्रेगनेंसी या आपको मैंने बताया कोई भी डिजीज जो आपको काफी देर से क्रॉनिक चल रही है, उसके वजह से भी आपको पिगमेंटेशन हो सकती है। सो पिगमेंटेशन हैज वेरियस वेरियस रीजन, बट पिगमेंटेशन कैन बी क्योर्ड। पिगमेंटेशन कम हम कर सकते हैं। तो मैम पिगमेंटेशन यूज एज यू सेड कि ये क्योरेबल है, 100% क्योर हो सकता है, तो कैसे हो सकता है, आप क्या ट्रीटमेंट्स करें? सी पिगमेंटेशन क्योरेबल है विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स प्लस योर डाइट। डाइट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग योर स्किन टेक्सचर, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ दिस रेडियंस, और जो फ्रेकल्स है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करती है। तो वी हैव वेरियस ट्रीटमेंट्स फ्रॉम केमिकल पील्स टू लेजर्स टू PRPs फॉर द फेस एंड फॉर एंड माइक्रो नीडलिंग ऑफ कोर्स, दैट्स वन ऑफ द माई डियरेस्ट ट्रीटमेंट, जो रिड्यूस कर देती है फ्रेकल्स को, पिगमेंटेशन को काफ़ी हद तक। बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, लेजर का होता है या सी बाकी? किसी के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट बोलना बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज एवरी स्किन इज डिफरेंट, एवरी ओके, इंडिविजुअल इज डिफरेंट। राइट राइट, कईयों को एक चीज से ही फर्क पड़ जाएगा, कईयों को तीन चार चीजों से भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट्स लाइक आपकी स्किन किसी ट्रीटमेंट के ऊपर कैसे इफेक्ट लेके आती है, दैट्स द थिंग। ओके ओके, बट क्योर हो क्योर जाएगा। हो जाता है। सो मैम अगर परमानेंट मेकअप की हम बात करें, सो परमानेंट मेकअप इज रियली अ परमानेंट? सी परमानेंट जैसी कोई चीज नहीं होती, ना परमानेंट इस दुनिया में कुछ भी है। आप बताइए अपने ओके ऑडियंस को, कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो राइट, मेकअप कैसे परमानेंट हो सकता है? नहीं एज बोलते हैं ना परमानेंट मेकअप। PMU इज नॉट अ परमानेंट मेकअप, इट इज अ सेमी परमानेंट, ओके राइट? ओके सो आई वुड लाइक टू टेल योर ऑडियंस कि उसमें करते क्या है, परमानेंट मेकअप में क्या चीज आती है। मेनली वी डू माइक्रोब्लेडिंग, जिससे हम आईब्रोज बनाते हैं, जिनके वेरी ओके लाइट वेरी डिम आईब्रोज होती हैं ब्रोज, उनको हम लोग ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैटू, टैटूइंग करके, शेप देके, टैटूइंग बेसिकली पीएमयू इट्स अ टैटूइंग टेक्निक राइट? टेक्निक। जिनके पिगमेंटेड लिप्स हैं, जो स्मोकर्स हैं या जो कई फीमेल्स हैं जो डार्क लिपस्टिक्स लगाती हैं, उनकी ऑलरेडी ओके पिगमेंटेड ओके है, उनको हम कलर देते हैं फॉर द लिप्स विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट्स, अगेन विद द टैटूइंग टाइप ऑफ मशीन एंड ऑल। एंड जो परमानेंट आई लैशेस आजकल काफी चल रही है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर PMU, बट द ओके तो मेन PMU इज माइक्रोब्लेडिंग एंड ऑफ कोर्स द लिप्स पार्ट। ये कितने टाइम तक रहता, जो सी भी हम जो कराते हैं? आपका एटलीस्ट एक बार आप कराएंगे अपना ये माइक्रोब्लेडिंग, आपको टचअप कराना पड़ता है वंस अ ईयर और 1.5 साल में एक बार। ओके एक बार तो आपका पूरा पिगमेंट अंदर चला गया, पूरा आपकी शेप आ गई, सब कुछ हो गई, पर एवरीथिंग नीड्स अ टचअप, राइट दैट यू हैव टू गो फॉर इट। ओके ये अगर टारगेट ऑडियंस की बात करूं मैं, कि जो पीएमयू की टारगेट ऑडियंस है, किनको कराना चाहिए, कौन होती है? सी इसमें कोई भी ऐसा एज ग्रुप नहीं होता, 18 ईयर्स अबव, जिनके ब्रोज थिन है, जिनके ब्रोज स्कैरसिटी में है, मतलब बहुत ही हल्के हैं, जो पेंसिल्स यूज करते हैं हर टाइम उनको दिखाने के लिए विजिबल, उनके लिए माइक्रोब्लेडिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। बट जिनके ऑलरेडी ब्रोज अच्छे हैं, हेल्दी है, हेयरी है और ब्लशी है, सो इट्स वेस्टेज ऑफ योर मनी, यू विल गो फॉर योर माइक्रोब्लेडिंग। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग बहुत बिजी होते हैं ना, जो पेंसिल यूज नहीं कर सकते नहीं या नहीं उतना नहीं टाइम नहीं नहीं लेते, उनको करा लेना नहीं नहीं चाहिए। नहीं नहीं ये उनके लिए नहीं है, जो जिनके जेन्युइनली में जिनकी प्रॉब्लम है वो लोग जाएं उस पे। ओके एक्ने के क्या रीजन होते हैं? क्योंकि एक्ने तो मुझे नहीं लगता कोई पर्सन ऐसा हो जिसको एक्ने ना होते हो, सभी को एक्ने फेस करने पड़ते हैं, क्या रीजन होते हैं उसके? राइट एक्ने का अगर आप टॉपिक पूछो, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, और ये कब से स्टार्ट होता है, एडोलेसेंट एज से स्टार्ट हो जाता है, और कब तक किस किस एज ग्रुप में हम देख सकते हैं, हम 40 साल के इंसान में भी देख सकते हैं, 45 साल के भी हम देख राइट सकते हैं। इसके बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट रीजन है और डिफरेंट एज ग्रुप है। ओके हम अगर बात करें एडोलेसेंट के लिए, जो आपको पता है बहुत ही, आपको भी सबको, हम सबको एक बार एक्ने तो हुआ ही हुआ है, वो ट्रीट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ये दैट इज ऑल ट्रीटेबल। सबसे पहले डॉक्टर आपका अच्छा हो, सही होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, आपको ठीक आपको मेडिसिन में डाले, ठीक आपको ऑइंटमेंट्स प्रिस्क्राइब करे,
प्लस आपको डाइट बताए, बिकॉज एक्ने को क्योर करने के लिए डाइट प्लेज अ मेजर रोल। जो हमारे एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो, उनको अगर हम लोग रोक लें, उनको बिल्कुल रिड्यूस कर लें, हमारा एक्ने ऑटोमेटिकली एक लेवल में आ किस जाएगा। तरह के खाना खाने से होता है, ऑयली ज्यादा खाने से? ऑयली नंबर वन वो तो है ही है, हमें पता है। उसके बाद वाइट्स, मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ अवॉइड वाइट्स। वाइट्स में क्या आता है? मैदा। वाइट्स में क्या आता ओके, है? मिल्क। वाइट्स में क्या आता है? शुगर। वाइट में क्या आता है? नमक। तो मिल्क भी छोड़ देना चाहिए। मिल्क इज द बिगेस्ट एग्रीवेटिंग फैक्टर ऑफ एक्ने। आप मिल्क को छोड़ देंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे जिस चीज जो भी पनीर मिल्क वगैरह? शेक्स, नहीं नहीं पनीर आप फिर भी थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं, बट शेक्स, मैंगो शेक हुआ, बनाना शेक हुआ, एनी काइंड ऑफ शेक जिसमें दूध ओके, पड़ता हो, सब छोड़ देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक्ने कंट्रोल में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ जो भी आपके डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी होगी। ओके ओके, पहली बार सुना कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपको छोड़ने डेयरी पड़ेंगे। प्रोडक्ट्स तो या आया डेयरी, ओके, जिम में लोग वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के टाइम वो प्रोटीन यूज करते हैं या स्टेरॉइड या बहुत सारे सप्लीमेंट यूज करते हैं, जो कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी बॉडी को सूट नहीं करता वो, तो वो भी रीजन बनता है एक्ने का? ट्रू, दैट इज अ रीजन। प्रोटीन इज ऑल्सो एग्रीवेटिंग फैक्टर ऑफ फॉर एक्ने। हम लोग जो पेशेंट जो एक्ने प्रॉब्लम से आते हैं और वो जिम में प्रोटीन लेते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली टू रिड्यूस योर प्रोटीन। आप प्रोटीन जो अब जिम वाला है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। नेचुरल फॉर्म में प्रोटीन्स लो, पल्सेस के ओके तौर ओके में ओके, लो, आपको वेजीज में मिल रहे हैं उसमें लो, बट कोई भी ऑर्गेनिक आप बाहर से पाउडर्ड फॉर्म में ले रहे हैं वो आप बंद कर दीजिए। अच्छा, प्रोटीन लेना जरूरी है बट पाउडर फॉर्म जी में नहीं लेना चाहिए। जी ओके जी ओके ओके जी ओके, मैम स्पाइसी खाने से होता स्पाइसी, ऑयली, खट्टा जैसे अचार वगैरह है? हुआ, इन सबसे एग्रीवेट होता है एक्ने। चॉकलेट खाने से? चॉकलेट में फिर क्या आ गई? शुगर। ओके राइट, तो शुगर जहां भी आएगी वो आपको एग्रीवेट करेगा ही करेगा। फेस पे अगर हम हाथ लगाते हैं अपने यूज करते हैं, हो सकता है कि हमारी जो हैंड्स हैं उनकी स्किन इन्फेक्टेड हो सकती है किसी चीज से, वो भी रीजन बनता है एक्ने बिल्कुल, का? मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि डू नॉट टच योर एक्ने, डू नॉट स्क्रैप योर फेस, यूज अ क्लीन हैंड टॉवल। अगर आपकी फेस में प्रॉब्लम भी आती है, कुछ खुजली वगैरह होती है, यूज इट एंड यू नो डैब इट ऑन योर फेस, बट डू नॉट यूज योर हैंड, बिकॉज आपका हाथ 10 जगह लगेगा, वहां बैक्टीरियाज है, सब कुछ है, वही आप अपने फेस पे लगा रहे हैं, तो आप एक एक्ने के साथ एक दूसरे एक्ने को भी इन्वाइट कर रहे हो। पॉप कर देना चाहिए अगर? बिल्कुल भी नहीं, पॉप करेंगे तो स्कार छोड़ जाएगा। एक्ने ट्रीट करना आसान है अगेन फॉर योर व्यूअर्स, बट एक्ने स्कार्स को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। स्कार नहीं आता, स्कार टेक्स अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू गो। तो बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि दावा करने, 2 to 3 weeks में ये जो भी आपके एक्ने के स्कार्स हैं खत्म हो जाएंगे। नहीं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर। ओके लाइक अगर हम देखें अपने, बिकॉज आपका स्कार किस लेवल का है, कितनी डेप्थ में है, और वो कितने कब छूटेगा या नहीं छूटेगा वो आपको नहीं पता। सो डू नॉट पॉप योर एक्ने। मैम, अगर ट्रीटमेंट की बात करूं, जिसको परमानेंट एक्ने हो जाते हैं कि वो खत्म ही नहीं होते, या एक्ने होते हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या सी रहने जो देते हैं? जिसको एक्ने एक एज ग्रुप के बाद 20-25 साल के बाद भी रह रहा है, काफी देर से रह रहा है, तो उसका हार्मोनल इशू भी हो सकता है। सो वी हैव डिफरेंट मेडिसिन, हम ओरल मेडिसिन उनको देते हैं पेशेंट्स को फॉर द पीरियड ऑफ 4 to 6 months। उसके बाद उनका जो हार्मोनल बैलेंस वो ठीक हो जाता है एंड ओके ऑटोमेटिकली द एक्ने ऑल्सो स्टॉप्स। दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों को ना एक चीज बहुत फेस करनी होती है, हेयर लॉस की और डैंड्रफ की। हेयर लॉस की सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है ये, इसी एरिया में सबसे ज्यादा क्यों है? हमारे पानी में बहुत ही ज्यादा हाई कंटेंट में मिनरल है। अगर आप RO का देखें, वो TDS लेवल देखें, तो कितना हाई TDS है। मैं अपने ही सिटी की बात करूं, मैं नोएडा में रहती हूँ, नोएडा की ही बात करूं तो नोएडा में ही कितना हाई लेवल है। तो उस लेवल में अगर हम अपने बालों को डेली उस एक्सपोजर पानी को दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हेयर लॉस होगा ही होगा। बट इसके और भी बहुत कारण होते हैं हेयर लॉस के, जो एक आपको डॉक्टर बता सकता है। आपके टेस्ट हम लोग कुछ करवाते हैं जिससे पता लगता है कि आपके हार्मोन्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके वजह से भी PCOS, PCOD से भी आपका हेयर लॉस होता है। स्ट्रेस लेवल से बहुत होता है हेयर लॉस। हेयर लॉस मैम कभी कभी ना इतना भी होता है कि पूरे हेयर ही खत्म हो जाते हैं, तो उसका भी कोई ट्रीटमेंट होता है? ट्रीटमेंट जरूर होता है, सबसे पहले उसका कारण हम पता करते हैं किस कारण से पेशेंट को इतना एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा है। उस कारण की हम मेडिसिन्स तो चलाते ही चलाते हैं साथ में, प्लस हम ट्रीटमेंट करते हैं जिससे उनकी
न्यू हेयर ग्रोथ आती है, ओके हेयर फॉल तो हो रहा है पर अगर न्यू हेयर ग्रोथ नहीं आएगी तो उसकी बॉल्डनेस स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग पीआरपी को काफी मैं रिकमेंड करती हूँ क्योंकि उसकी बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है ओके जिससे अच्छा, न्यू हेयर ग्रोथ आती है। शेविंग कराने से क्या जल्दी ग्रोथ जल्दी मिलती है? लाइक अगर हेयर फॉल हो रहा है तो शेविंग करा लो, बॉल्ड हो जाओ और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स अगेन अ मिथ। आपको जब ओके तक प्रॉब्लम ही नहीं पता हेयर फॉल की तो आप शेविंग कराइए, कुछ मर्जी कराइए, वो तो वैसे की वैसी रहेगी। उसकी प्रॉब्लम जानना जरूरी है, देन उसके बाद एग्जैक्टली ही पहले सोल्यूशन पे हम उसका काम कर सकते कारण, हैं। जड़ कारण पता कीजिए वो बाल क्यों झड़ रहे हैं। मैम, डज डेंड्रफ कोज हेयर लॉस? डैंड्रफ इज मेनली अ फंगल इन्फेक्शन, सो फंगल इन्फेक्शन से हेयर लॉस नहीं होता। डैंड्रफ से और चीजों का हमें इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे बॉडी ट्रंकल एक्ने हो गया या और प्रॉब्लम्स आ सकती है, बट हेयर लॉस से कंसर्न नहीं होता इसका। और मैम लगातार कॉम्बिंग करना या फिर हेयर कलर से भी हेयर लॉस के कोई चांसेस होते हैं? एक्सेसिव कॉम्बिंग, कुछ भी एक्सेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हेयर फॉल को, हेयर लॉस को रिजल्ट करेगा ही करेगा। सो कभी भी कॉम्ब करिए तो एक्सेसिव में जो आप रेगुलर नॉर्मल करते हैं वैसे ही करिए, उसी इंटेंसिटी से करिए, जबरदस्ती ना करिए जिस चीज की जरूरत ना हो। सो हेयर कलर एंड एनी काइंड ऑफ स्मूदनिंग, केराटिन, जो भी इतने पार्लर प्रोसीजर्स होते हैं वो ऑफ कोर्स हेयर लॉस को रिजल्ट देते ही देते हैं, बट वी आर लिविंग इन दैट सोसाइटी कि हम हेयर कलर के बिना नहीं रह सकते। तो ट्राई करिए कि जो आप अमोनिया फ्री हेयर कलर यूज कीजिए अमोनिया फ्री? या एंड अच्छे एक पार्लर से कराइए जहां से आपको रिजल्ट्स, आपको पता हो कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है, उनका प्रोडक्ट ओरिजिनल है। मैम, जो लोग मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, एक्ने या हेयर लॉस से रिलेटेड ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कैसे आपको कनेक्ट कर सकते हैं? आप हमें इवारा क्लिनिक, EVARA क्लिनिक नोएडा में सर्च कर सकते हैं। वी आर देयर ऑन गूगल, वी हैव आवर वेबसाइट ivaraclinic.com, हमारा इंस्टाग्राम पेज इवारा क्लिनिक एंड यूट्यूब चैनल में आप हमें फॉलो कर सकते हो। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज सी द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू।